हेलो जी, प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। प्रियंका की तरफ से आज मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन। रेस्टोरेंट जैसे ही घर पे बनाऊंगी तंदूरी चिकन, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो कोई भी इसे बना के तैयार कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज मैं बना लेती हूँ तंदूरी चिकन। इसे बनाने के लिए लिया है मैंने चिकन, ये 400 ग्राम चिकन है। चिकन को मैंने नमक वाले पानी से अच्छे से धो लिया है, धोने के बाद ही मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 4 चम्मच दही ली है। तो यहाँ पर देखिए दही गाढ़ी दही है और ये ताजी दही है, तो आप लोग इसके जगह पे टंगी हुई दही का ले सकते हैं, मतलब इस्तेमाल कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए मसाला है, तो ये सूखे मसाले हैं जैसे हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, काली मिर्च की पाउडर, कसूरी मेथी, नमक स्वाद के हिसाब से। और लिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची, तो बहुत ही अच्छा कलर आता है इससे। आधा लेमन जूस रखनी है और यहाँ पर 1 चम्मच लेना है सरसों का तेल। 2 पिंच लिया है मैंने मीठा सोडा और 2 पिंच हींग। अब सभी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स करना है, तो अच्छे से इसे मिला लेती हूँ हाथों से। उसके बाद इसमें रखूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच तंदूरी मसाला। अब सभी को अच्छे से हाथों से मसल मसल के इसे मिक्स करूँगी, मतलब चिकन के जो पीस है उसमें अच्छे से मसाले लग जाए, इतना अच्छे से मसल के इसे मिला लेना है। अब क्या करना है, इस पर ढक्कन लगाना है और इसे लगभग 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रहने देना है। इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी, आप चाहे तो इसे बाहर भी रख सकते हैं। तो 2 घंटे के लिए मैं रहने देती हूँ, उसके बाद ही आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं, मैं चाट मसाला रखना भूल गई थी, तो आधा चम्मच मैं चाट मसाला रख देती हूँ। आप लोग पहले ही चाट मसाला रख दीजिएगा। और मैंने इसे फ्रिज में रखा था, तो ये देखिए हल्का सा मतलब नीचे से ये जम गया है, तो अच्छे से मैं इसे मिला लेती हूँ। तो एक बार अच्छे से मिला लेना है इसे, और इस तरह से मसाला चिकन में लगा होना चाहिए पूरे अच्छे से। अब चलिए इसे मैं पका लेती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई या पैन लेना है, गैस को ऑन करना है, और जब मतलब कढ़ाई पैन कुछ भी जो रखे हैं वो गर्म हो जाएगा, तब रखनी है चिकन के पीसेस को। तो सभी को मैं रख देती हूँ। अब करना है क्या, जो मसाला बचा हुआ है कटोरे में उसे भी इसके ऊपर डाल देना है। गैस को हाई फ्लेम करनी है और इसे 5 मिनट के लिए पकने देना है। तो ये स्टेप करनी ज़रूरी है 5 मिनट के लिए। जब ये पक जाए एक तरफ से, तो अब सभी को पलट लेना है। और मैंने इसमें घी तेल पहले कुछ नहीं रखा है, तो इसे इसी तरह से सूखा बनाना है। बहुत ही अच्छी बनती है, मतलब मज़ा आ जाएगा इसे खाकर। अब इस पर मैं ढक्कन लगा दूंगी और गैस को कर दूंगी मीडियम आंच पे, और लगभग 8 मिनट के लिए मैं इसे पका लेती हूँ। मतलब मीडियम आंच से भी मतलब थोड़ा कम करना है, लो पर ही रखना है। और 8 मिनट के लिए जब मैंने पका लिया है, तो इस तरह से ये दिखेगी। बीच में मैंने एक बार इसे चला लिया था, मसाले जले नहीं, इसका भी ध्यान रखना है। और देखिए इस तरह से जब ये ड्राई हो जाए चिकन, तो समझे कि बन के तैयार हो चुका है। अब गैस को बंद करना है। अब इसे मैं रख दूंगी दूसरे आँच पर, इसके जगह पर लूँगी रोस्टर। तो यहाँ पर इस तरह के रोस्टर तो सभी के घर में होते ही हैं और इस पर बनाना आसान होता है। तो यहाँ पर मैं चिकन के पीसेस को रख देती हूँ। तो एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, तो यहाँ पर मैं 4 पीसेस को रख दी हूँ। गैस को ऑन किया है और गैस को हाई फ्लेम से मीडियम फ्लेम, मीडियम फ्लेम से लो फ्लेम, मतलब इस तरह से करके आधे मिनट के लिए एक तरफ से पका लेनी है। उसके बाद फिर इसे पलट देना है, पलटने के बाद आधे मिनट और पका लेनी है। तो जैसे जैसे ये हल्की हल्की जलेगी, तो खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये सबसे आसान तरीका होता है घर पे बनाना तंदूरी चिकन। तो इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग मुझे कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ पर सभी को इसी तरह से बना के तैयार करना है। तो जो बची हुई है उसे भी मैं बना लेती हूँ। तो मीडियम आँच करनी है, हाई फ्लेम करना है, लो फ्लेम करना है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। पूरा नहीं जलाना है, हल्का हल्का ही जलाना है, क्योंकि ये पहले से पका हुआ है, तो हल्की सी ही पकानी है इसे ऊपर से। तो यहाँ पे तंदूरी चिकन बनके तैयार हो चुका है। इस पर मैं घी बटर कुछ भी नहीं रखूँगी, इसी तरह से इसे मैं सर्व करूँगी। तो यहाँ पर प्याज और लेमन को मैंने काट लिया है, तो आप लोग बताइएगा कि ये कैसी लग रही है देखने में। तो इसे एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खा के आ जाएगा मज़ा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।